हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत चीन और सीमा विवाद पर मोदी का मूड खराब है, ये दावा किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने एक बार फिर से मध्यस्थता का ऑफर दोहरा दिया है, हालांकि भारत पहले ही ये ऑफर ठुकरा चुका है। परसों ही पीएम मोदी ने सेना की तैयारियों का जायजा लिया था और विकल्पों पर चर्चा की थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हालात इतने खराब हैं कि पीएम मोदी का मूड भी खराब हो गया है। भारत चीन सीमा विवाद की गूंज व्हाइट हाउस में सुनाई दी, जब मीडिया के सवालों के जवाब में ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत चीन मसले पर पीएम मोदी से बात हुई और पीएम मोदी का मूड अच्छा नहीं है। We have a big conflict going with India and China, two countries with 1.4 billion people, two countries with very powerful militaries, and India is not happy and probably China is not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. इस दौरान ट्रंप ने अपने मध्यस्थता के ऑफर को फिर दोहरा दिया, पर भारत पहले ही लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चल रहे विवाद में ट्रंप के ऑफर को ठुकरा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन के संपर्क में हैं। The two sides have established mechanisms both at military and diplomatic levels to resolve situations which may arise in border areas peacefully through dialogue. We continue to remain engaged through these channels. वहीं चीन ने भी कहा है कि विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा, दोनों देशों की सरकारें 2017 में आपसी समझ और केंद्रित प्रयास के जरिए डोकलाम विवाद हल कर चुकी हैं। उन्हें किसी भी समस्या के समाधान के लिए ट्रंप की मदद की जरूरत नहीं है। बीते 5 मई को पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील क्षेत्र में झड़प के बाद से तनाव बना हुआ है। चीनी सेना ने अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है, जिसके जवाब में भारत ने भी उतने ही सैनिक तैनात किए हैं।